नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। तिलकोत्सव कार्यक्रम के दौरान 10 लाख रुपयों से भरे बैग की चोरी का हुआ खुलासा। जबलपुर में गोसलपुर के हम लोग मैरिज हॉल से तिलकोत्सव कार्यक्रम के दौरान 10 लाख रुपयों से भरे बैग की चोरी का जबलपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने चोरी हुए रुपए तो बरामद कर लिए, लेकिन आरोपी महिलाएं जबलपुर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई। जबलपुर पुलिस का दावा है कि राजगढ़ के गुलखेड़ी सांसी गिरोह की दो युवतियों ने रुपयों से भरा बैग चुराया है। गोसलपुर पुलिस ने चुराए हुए 10 लाख रुपए जब्त कर लिए। पुलिस का कहना है कि जिस महिला ने रुपए से भरा बैग अपने साथियों के साथ चुराया था, उसका नाम स्वाति भनोरिया, पिता सुधीर भनोरिया, निवासी गुलखेड़ी थाना बोडा जिला राजगढ़ निवासी है। ये जैसा कि आपको विदित है कि दिनांक 26 नवंबर की रात में थाना गोसलपुर अंतर्गत एक मैरिज गार्डन में शादी समारोह चल रहा था। उसमें एक अज्ञात लड़की के द्वारा एक जो शादी के कार्यक्रम की राशि थी जो एक बैग में रखी हुई थी, उसमें जो शादी की रकम थी उसको वह लेकर के वहां से भाग गई थी। इसमें थाना गोसलपुर में अपराध कायम किया गया था और शिकायतकर्ता के द्वारा उस बैग में 10 लाख रुपए की राशि होना बताया गया था। इसमें एनजीओ की सिहोरा के नेतृत्व में पीआई गोसलपुर के द्वारा एक टीम लगाई गई थी। थाना प्रभारी गोहलपुर राजपाल बघेल की भी टीम इसमें लगाई गई थी और क्राइम ब्रांच की भी टीम इसमें इस घटना की पड़ताल में लगी हुई थी। इन सभी के द्वारा जो मुखबिर लगाए गए थे उसमें ज्ञात हुआ कि जो फोटो में जो लड़की है जो दिखाई दे रही है बैग को ले जाते हुए, वह गुलखेड़ी राजगढ़ निवासी शांति गिरोह की एक लड़की स्वाति भनेरिया है। राजगढ़ जो ये सभी टीमें भेजी गई, इनके द्वारा एक संयुक्त दबिश वहाँ पर दी गई थी, जिसमें स्वाति भनेरिया की सकूनत से ये 10 लाख रुपए जिस पिट्ठू बैग में थे वह मिला। वह अंधेरा का फायदा उठाकर के वहां से फरार हो गई थी। उसकी गिरफ्तारी है तो अभी भी हमारी दो टीम्स राजगढ़ जिले में लगी हुई हैं और उसकी गिरफ्तारी भी शीघ्र ही की जाएगी। अभी हमने जो है जो 100% रिकवरी इसमें हुई है 10 लाख रुपए में पिट्ठू बैग स्वाति बनेरिया की सकूनत से बरामद किया गया है। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।